उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक का पहला राउंड समाप्त हो चुका है। इस मीटिंग में SCO के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। वहीं इस दौरान PM मोदी ने कहा कि भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड महामारी से उभर रही है, यूक्रेन क्राइसिस और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतें आई हैं। विश्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO देशों के बीच सप्लाई चेन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना।